अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर कोई भी अगर काम हम करते हैं तो उसको हमें अगर किसी के पास भेजना हो, वो चाहे यहाँ हो और चाहे वो दूर हो, तो उसको हम कैसे उस तक उस फाइल को पहुँचाएँगे यानी भेजेंगे उस तक, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि हमने कोई फाइल बनाया है या कोई रिज्यूम बनाया है या कोई लेटर पैड बनाया है या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फाइल हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, कोई फाइल हो या विनवर्ड को हो, कोई भी चीज़ का हो, उसको हमें किसी के पास सेंड करना है तो हम कैसे भेजेंगे, वो भी नेट के ज़रिए। तो हमने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है और यहाँ पे हमने टाइप करना है जीमेल, और जीमेल पे जाके अपनी जो जीमेल आईडी है वो डाल के, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद हमने करना है नेक्स्ट। अब क्या होगा, हमारा जो जीमेल होगा वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने जीमेल को पहले लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमने चले जाना है यहाँ कंपोज में। अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हो तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर आप मोबाइल में चला रहे हो, अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आपको ये वर्ड लिखा मिलेगा और इस तरीके का चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ क्लिक करनी है, उसके बाद जिसके पास भी भेजनी है उसकी जीमेल आईडी यहाँ डाल देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप भेज रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर फाइल भेज रहा हूँ तो फाइल लिख दूँगा, और यहाँ मैसेज कोई देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जाना है अटैच पे, और यहाँ पे फाइल को अटैच कर लेना है। लोकेशन हम डेस्कटॉप पे डालेंगे क्योंकि हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे, तो हमने यहाँ लोड कर दिया। आप और भी फाइल अटैच कर सकते हो, तो यहीं पे आप जाइए अटैच पे। अगर आप ये दोनों फाइल एक साथ ही सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, अब कंट्रोल छोड़ना है और ओके कर देना है। यहाँ पे ओपन कर दोगे, ये फाइल जो है लोड हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइल लोड हो गई हमारी दोनों की दोनों ही। अगर आपको यहाँ पे कोई मैसेज वैसे देना है, बनाना है, तो आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेंड कर देना है। अब जैसे हम सेंड करेंगे ये फाइल इसके पास पहुँच जाएगी, ये जिसकी भी जीमेल आईडी होगी। तो यहाँ से हम सेंड कर देते हैं, ये फाइल जो है हमारी यहाँ से चली गई। अब हम देखेंगे हमारे पास पहुँची है कि नहीं, फ़ोन में देखते हैं क्योंकि हम फ़ोन में चला रहे हैं। तो फ़ोन में हम जीमेल आईडी खोल लेंगे और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी जीमेल जो है आ गई है 2:20 पे, और यहाँ भी टाइम देखिए आप 2:20 हो रहा है। तो हमारी जो फाइल है वो हमारे फ़ोन में पहुँच गई है, ये हमारी फाइल फ़ोन में पहुँच गई है। इसको हम खोल लेते हैं यहाँ क्लिक करके। ये देखिए हमारी दोनों के दोनों फाइल जो है वो आ चुकी है। तो हमें डाउनलोड करनी है, तो इसके ऊपर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल जो है इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से मेल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में कोई मेल उल आई है तो आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक कीजिए। ये सभी के सभी मेल ही है, देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपने जो सेंड किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं सेंड पे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी के सभी फाइल आपने सेंड किया है। इनबॉक्स जो है यहाँ पर आपकी जितने भी मेल आई होगी वो सभी यहाँ पर शो होती है। आप इनमें से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो भी डिलीट करना है यहाँ क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको लॉगआउट करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करनी है यहाँ पे, और यहाँ से साइन आउट कर देनी है। अब ये आपका मेल हो गया, साइन आउट हो गया आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप से। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से किसी के भी पास अपनी फाइल को सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताया आपको अच्छा से समझ आई हो, धन्यवाद।